ओके सो आज बनाते हैं ऐसी सॉफ्ट रवा इडली और साथ में मेरी फेवरेट चटनी। तो पहले एक बोल में मैं 2 कप रवा या फिर सूजी कहते हैं आप इसको, तो सूजी डाल दूंगी 2 कप। और इसके बाद 1/2 टीस्पून नमक डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे ताकि रवा और नमक अच्छे से मिल जाए। और साथ में 1 कप दही डाल दूंगी। तो अगर आप 2 कप सूजी डाल रहे हैं तो 1 कप दही, आप इस मेजरमेंट से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। दही और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 कप पानी डाल के एक बैटर बना लेंगे। बैटर को 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे और उसके बाद फिर 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेते हैं। इडली के मोल्ड में डाल दूंगी ये बनाया हुआ बैटर और इडली का स्टीमर भी रेडी हो रहा है। और एक चीज़ की इडली के बैटर डालने से पहले मोल्ड को ऑयल देके हल्का ग्रीस कर लीजिए ताकि स्मूथली निकल जाए बिना चिपके। और हाँ, एक और बात कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट क्या रेसिपी आप देखना चाहेंगे मेरे चैनल में। इडली के साथ चटनी तो मैंडेटरी है, तो चटनी भी बनाऊंगी मेरे स्टाइल में। अभी इडली इसको प्लेस करके स्टीम कर लेंगे 7 से 8 मिनट तक, ज़्यादा देर तक नहीं रखना है नहीं तो डार्क हो जाएंगे। ओके सो झटपट चटनी बना लेते हैं। ऑयल डाल दूंगी कढ़ाई में 2 टीस्पून के आसपास और 2 टीस्पून चना दाल डाल दूंगी और रोस्ट कर लूंगी इसको। दो इंच जैसा अदरक और 10 से 12 गार्लिक, एक छोटा अनियन और एक टमाटर भी डाल दूंगी। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसको और 2 ग्रीन चिली और 2 सूखी लाल मिर्च डाल दूंगी, नमक हल्दी, अच्छे से इसको फ्राई कर लूंगी। अब इसको ब्लेंडर में ट्रांसफर कर लेंगे और पीस के इसका चटनी बना लेंगे। और अगर ड्राई लगे थोड़ा तो दही डाल सकते हैं आप और सर्व कर लेंगे। 1/2 आवर में ऐसी टेस्टी ब्रेकफास्ट तैयार हो गई। और आपको रेसिपी अगर पसंद आई तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाय।